फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. अबोपते वीरेन स्पॉट ठाकूरपाडा संघ आपण आपला क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचे. पांच मर्तबा सेमी फायनल खेला, एक मर्तबा रनर्स बनी वीरेन स्पॉट ठाकूरपाडा. सिटी क्रिकेट की रैंकिंग में एक नंबर पे पांच कप के साथ आमदार नंबर वन के आमदार की टीम नंबर वन महेंद्रा. पांडुरंग धर्मा पाटिल फैम टीम चार कप के साथ दो नंबर पे. तीन पे अहमद फक्की फैम टीम पॉइनियर तीन कप के साथ. चार पे एन आर बोरपाड़ा दो कप के साथ. पांच पे मराठा पंजाब एक कप के साथ. छः पर अब आ गई है बालाजी स्पोर्ट और युति का दो रनर्स के साथ. सात पर वीरेन स्पोर्ट एक रनर और पांच सेमीफाइनल के साथ. आठ पर विहान मित कुमार एक रनर्स के साथ. नौ पर जानवी स्पोर्ट तीन सेमीफाइनल के साथ. और उसके बाद तमाम टीमों का नंबर या आपण पाहू शकता. स्वर्गीय श्यामनाथ गॅलरी निश्चित एक चांगला कटआउट दाखवला होता. सामन्याला सुरुवात करतोय. पहिला चेंडू टाकल्यानंतर अवधी 25 मिनिटाचा टाइम आपल्याकडे असेल. त्या 25 मिनिटांमध्ये आपले पाच षटकं जे आहेत आपण कम्प्लीट करायचे आहेत. आमदार चषक 2017 आपण पाहतोय. चौथा दिवस रेग्युलर क्रिकेटला सुरुवात झाली आहे कालपासून. आणि आज आपण पाहतोय एक जबरदस्त सामना पाहतोय आपण. वीरेन स्पॉट ठाकूरपाडा आणि आदर्श स्पॉट अंजूरपाडा. Yes, Boom Boom Subhash Thackeray brought into the attack Sandesh and facing him batsman Anil. Subhash Thackeray arke batting stand in kadun samor khelnyasathi sajj hote. Anil ratam over the wicket. Subhash Thackeray pahila chendur mota patka marnyacha prayatna kela jatay. Shot arm full karnyacha prayatna kela hota. हवे तसा बॅटच्या बटेमध्ये येत नाहीये चेंडू. मात्र त्यावर एक धाव पूर्ण केली जाते. एका धावाने श्री गणेशा केला जाते. खाता खोलते फलंदाज अनिल आपल्या संघाच. आय थिंक मिस्की विस्ट्रोक इन डीट अराउंड ऑफ स्टाम मी ट्राय टू पुल डॅश बॉल टॉप एज अँड रोज टू बॅकवर्ड ऑफ द स्क्वायर. हेमंत पाटील इज देअर अँड फर्स्ट रन ऑन द बोट. अगदी बरोबर सुभाष ठाकरे. पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू होता. ऑफ स्टंपवर चेंडू होता. ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न यशस्वी होतोय. मात्र डीप मध्ये चांगला क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतोय. एक धाव मिळतोय. धाव संख्या दोन होत आहे. पप्पू आपला खातं खोलतोय. धाव संख्या दोन. आपण पाहताय सुभाष ठाकरे सन्मान्य आदित्य ठाकरे चषकामध्ये निश्चित चांगला परफॉर्मन्स केला होता आणि सिरीज पटकली होती सुभाष ठाकरे याने. हे पाहू शकता आपण अप्रतिम चेंडू. दोन्ही पायांच्या मधून चेंडू जातोय. एसटी रक्षक नंदन पाटील बाउंड्री बॉय आपण पाहताय. एसटीचं काम पाहत आहेत. भरपूर बाउंड्रीज जे चौकार आहेत त्यांच्या नावावर आहे. रेकॉर्ड आहे भिवंडीमध्ये. चांगला परफॉर्मन्स पाहायला मिळतोय पहिल्या षटकामध्ये सुभाष ठाकरेचं. रटम ओवर द विकेट अर्कबटी स्टॅन इन कडून सुभाष ठाकरे. पुन्हा एकदा ब्लँक स्विंग खेळण्याचा प्रयत्न. बॅटची कडा घेतोय चेंडू. स्केअर लेग क्षेत्रावरून डीपमधून क्षेत्ररक्षक पोहोचतोय आपल्याला पाहायला मिळतोय. एकच धाव मिळेल या चेंडूवर. धावसंख्या तीनच्या घरामध्ये जाते. बिनबाद तीन अनिल आणि पप्पू. संदेश पाटील ये भी तो नहीं भूलना चाहिए कि आदित्य ठाकरे कप के मैन ऑफ द सीरीज रहे थे सुभाष ठाकरे, जबकि बेस्ट बॉलर महेंद्रा के अजीत रहे थे और बेस्ट बैट्समैन हर्षद चौधरी वीरेन स्पोर्ट्स के रहे थे सुभाष ठाकरे. पुनः एकदम मोटा पटका मारा पे इतना चिंडो आवे मध्य अपने पहाड़ मिलते हैं. राजेन पाटिल चांगले क्षेत्ररक्षण करते हैं. एक धाव मिलते हैं डीप मध्य. धाव संख्या होती थी चार. गोलंदाजी करणारा गोलंदाज सुभाष ठाकरे. चांगली गोलंदाजी पहिल्या षटकामध्ये पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा ऑफ स्टंपवर चेंडू अपील होते. मात्र सुरक्षित चेंडू आपण पाहतोय. कॉटन बॉलची अपील केली होती नंदन पाटील याने सिद्दीक बाबे सर. निर्धाव चेंडू आणि पहिला षटक समाप्त होते. हे पाहू शकता आपण दाखवलं होतंय. ऑफ स्टंपवर चेंडू होता. चांगला चेंडू म्हणेल मी, कारण की चेंडू अगोदर गेला होता इष्टेकाच्या हातामध्ये. नंतर जी बॅट आहे ती ऑन साईडच्या क्षेत्रामध्ये घुमली होती. चार धावा झाले सिद्दीक भावे सर. काय वाटतं गोलंदाजीच्या बद्दल? बहुत इकॉनॉमिकल ओव्हर किया वहां पे सुभाष ठाकरे ने. सिर्फ चार रन खर्च किए. तालुका क्रिकेट सिटी में हम बात करें तो गैसुद्दीन शेख इस वक्त छह मैन ऑफ द सीरीज के साथ एक नंबर पे है. जुल्फिकार पॉइनियर के दो नंबर पे. सूरज केनी तीन नंबर पे. सूरज जोशी चार नंबर पे. भावेश पवार पांच नंबर पे. और उसके बाद सुभाष ठाकरे छह नंबर पे. सात पर
कई खिलाड़ी है जिसमें ऋषि पटेल और कई नाम है ऑलराउंडर की फहरिस्त में। ये बघा आपण पहिल्या षटकासाठी जवळजवळ 6 मिनिटं घेतलेली आहेत, लक्ष घ्या आपण 25 मिनिटाचा अवधी टाइम आहे, लक्षात घ्या आपण। यस, राजन को गेंदबाजी दी गई है जो इस वक्त सिटी क्रिकेट में 2 नंबर पे रैंक कर रहे हैं उसामा के बाद पायनियर के। विकेट टेकर गोलंदाज इथून सुभाष ठाकरे आपल्या संघासाठी विकेट घेण्याचा प्रयत्न करणार आहेत। पाहूया राजन एक इनफॉर्म गोलंदाज आपण पाहते, बॅटिंग पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये पाहूया कोणत्या प्रकारे गोलंदाजी होते। पहिला चेंडू राईट टर्म ओवर द विकेट राजन पाटील, पहिल्या चेंडूवर मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेमध्ये, शतरक्षक पोहोचू शकत नाही, मात्र चेंडू पहिल्या टप्प्यानंतर आपण पाहताय 4 धावांसाठी चौकार जातोय। पहिल्या षटकामध्ये रनबंदी चालू होती, मात्र दुसऱ्या षटकाला ज्या वेळेस सुरुवात झाली बॅटिंग पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये एक इनफॉर्म गोलंदाज राजन पाटील याच्या चेंडूवर ऑफ स्टम्प वरून चेंडूला ऑन साइड कव्हर करण्याचा प्रयत्न, पहिल्या टप्प्यानंतर चेंडू सीमेच्या बाहेर गेला होता, 4 धावांसाठी चौकार राजन पाटील। राईट अमोर द विकेट पुन्हा एकदा, आता मात्र सुरेख चेंडू वापसी केली जाते गोलंदाजच्या मध्ये आपण पाहायला मिळते। पहिल्या चेंडू चौकार, त्यानंतर डॉट चेंडू पाहायला मिळते। सन्मान्य आमदार रुपेशदादा म्हात्रे त्याचबरोबर संजयभाई म्हात्रे यांची एक निश्चितच बिग शो आपण पाहतोय, आमदार चषक 2017 राजन। आता मात्र कार्पेटचे साईन जातोय, चेंडू ऑन साइड क्षेत्रामध्ये येतोय, डीप मधून शतरक्षक पोहोचतोय चेंडूवर, प्लेसमेंट चांगला पाहायला मिळत नाहीये कारण की गोलंदाजी चांगली पाहायला मिळते राजन याची। धावसंख्या 9 ते धाव फलक, यानंतर दोन्ही संघाच्या करणार तयारीत राहायचं टॉस बॉक्स मध्ये इस्लाम आणि सहारा इंडियन। राजन पाटील आता मात्र सुरेख कसा फटका आपण पाहतोय, लॉग स्विंग आपल्या पाया मिळतोय, मिड विकेट क्षेत्रामध्ये डीप मध्ये चेंडू जाते, एकच धाव मिळेल, चांगली गोलंदाजी। ज्यावेळेस पहिला चेंडू चौकार मारला होता असं वाटत होतं की धावा ज्या आहेत बॅटिंग पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये पाहायला मिळतील प्रेक्षकांना, मात्र इथे रनबंदी पुन्हा एकदा चालू केलेली आहे राजन पाटील याने। आता मात्र मारण्याचा प्रयत्न, लेग स्लिपला चेंडू जातो आपण पाहतोय, एक धाव पूर्ण होतोय, एकच धाव मिळेल, धाव संख्या आता मात्र पाहते आपण ती 11 धावा धाव फलकावर होते। यस, अगली दो टीमों को मैं टॉस के लिए तैयार रहने कहूंगा, हमारे मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर बबन पाटिल फैम टीम सारा इंडियंस और इस्लामिया स्पोर्ट्स के कैप्टन, आप दोनों को तैयार रहना है। राजन अप्रतिम चेंडू मिड स्टम्प उड़ते है फलंदाज, फलंदाज बाद होता है, विकेट नंबर 1 से पतंग होते है, उत्कृष्ट कामगिरी राजन पाटिल जी। पाहायला मिळत नाही, मात्र पुअर प्ले आपल्याला पाहायला मिळालं कारण की ज्या प्रकारे गोलंदाजी केली राजन पाटील याने हे पाहू शकतो आपण, ऑन साइड कव्हर करण्याचा प्रयत्न, मात्र स्टम्प उधळल्या जात आहेत फलंदाजा आणि फलंदाज बाद होत आहे। पहिला विकेट पडते, 2 षटकाची समाप्ती, धावसंख्या आपण होते ती पाहते ती म्हणजे 11। काय वाटतं सिद्दीक भावे सर, 2 षटकामध्ये 11 धावा झालेल्या आहेत? यस, विरेन स्पोर्ट जितना बडा नाम आहे उतना बडा काम करती भी, 2 ओव्हर में सिर्फ 11 रन बने और अंजूर फाटा टीम एक युवा टीम है, नई टीम है और उनके सामने एक बहुत अच्छी गेंदबाजी है, तो इतनी डगर आसान नहीं रहेंगी। पहले 4 ओवर में आप बैटिंग पावर प्ले ले सकते हैं, इस बात का ध्यान रहे, ये बार बार हम इसलिए कह रहे हैं कि नया रूल है और सभी टीमों को, जबकि बैटिंग पावर प्ले लिया जा चुका है। जवेली से बैटिंग पावर प्ले शुरू हुई, अपन आयुक्या सिद्दीक भावे सराना। Thank you, Sandesh Patil is going to be Bunty Tare brought into the attack. Here he go. First ball this time put away in front of his legs, straight to his square leg, enough time, batsman gets one. Fielder finds the ball at deep square leg, 1 to his score now, his score moves up to 12 for the loss of 1 wicket. Adarsh Sport still Sandesh Patil not playing Adarsh ideal cricket. अगदी बरोबर, क्रिकेट पाहायला मिळत नाही, आदर्श एक
मोठं नाव वाटतंय मात्र क्रिकेट छोटं पाहायला मिळतंय. बंटी गोज पास्ट अँड फ्रॉम आर के पाटील इस्ट एंड बॉल दिस टाइम इट्स इन द एयर. ओ फाइन एफर्ट फ्रॉम सुभाष बट थ्री अटेम्प्ट ही ड्रॉप द चान्स. निश्चितच ही जर झेल पकडली असती सुभाष ठाकरेने तर निश्चित एक चांगली झेल मी म्हणलो असतो, कारण की जवळजवळ स्टंपिंग निश्चितच स्टंपवर आली होती झेल आणि कव्हर करण्याचा प्रयत्न केला होता मात्र एक धाव पूर्ण होते. बंटी राईट आर्म ओव्हर द विकेट बॉल दिस टाइम पुट अवे ऑन द ऑन साइड इन द एअर यस इज गॉन. सेकंड विकेट इज गॉन फॉर just 13 runs. Next match between Islamia Sports and Sara Indians. Today is Maratha Punjab in action, Mahindra in action, Jolly Sport Kamatgarh in action. Have a look at that cross batted stroke and straight to fielder at wide of long on. Here goes Bunty. Basuraj flicks in the air. Yes, he's gone. Caught at deep square leg and Bunty on a trick. Wasn't a wicket delivery, but he gets a wicket. पाहू शकतो आपण स्केरले क्षेत्रामध्ये डीप मध्ये चांगला झेल टिपला जातोय. फलंदाज बाद होत आहे. ऑन साइड कव्हर करण्याचा प्रयत्न केला होता मात्र क्लिअर करता आले येत नाहीये. सिद्दीक बाबे सर चांगली गोलंदाजी बंटी याची. यस बंटी तरे आय थिंक मॅन फ्रॉम कशेली अँड ऑल द बेस्ट फॉर हेमंत पाटील फ्रॉम हर्षल माडवी मॅन फ्रॉम कशेली बंटी पाटील. दिस टाइम लूज बॉटम अँड पुश कम्स टू हिम देन काइट डी बॉल टू बॅक आउट ऑफ द पॉइंट लाइक डीपीश काली विथ द स्ट्रोक बॅट्समॅन थ्रू फॉर वन. 1-2 स्कोर नाव स्कोर मोज अप टू 15-14 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट. सुपर गोलंदाजी पाहायला मिळते. बंटी एक लेंथ लाईन मध्ये गोलंदाजी करतायत. धाव संख्या ना आतापर्यंत रन बंदी चालू आहे. बंटी पाटील हियर ही गो बॉल दिस टाइम ड्राइव गुड लुकिंग स्ट्रोक पिक्स ऑन द ऑफ वॉली स्ट्रेट टू डीप मिड ऑफ. डेविड वॉर्नर ऑफ भिवंडी सुनील पाटील इज देयर. Enough time batsman gets one. That marks end of the third over. His score is 15 for the loss of 3 wicket. 3 over ki samapti 15 run. Seekhna chahiye Viren Sports ke ki unhone apne 3 over samay pe kar diye. Agdi barabar 14 minutamade tabbal 3 shatka taklela ahet. Yenara sanghansathi nishchit ha sandesh asel Viren Sport Thakurpada sanghakadun, karan ki 14 minuta ghetlela ahet 3 shatkasathi. धन्यवाद कॉमेंट्री बॉक्स. या ठिकाणी मी स्वागताकडे वळतोय. अरुण भोईर सर आपल्याला विनंती असेल की सन्माननीय कृष्णा पाटील भादवाडचे आदरणीय ग्रामस्थ यांचं आपण स्वागत करायचं आहे. राजन को कंटिन्यू रखा गया है. पहली गेंद दूर से खेले बीट वे ऑफ स्टंप के बाद. कृष्णा पाटील आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. सुस्वागतम. यानंतर अंडू दादा नाईक आपलं सुद्धा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करायचं आहे. राजन राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए इस मरतबा मोड़ दिया गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ लॉन्ग लेग बाउंड्री की तरफ. एक रन बना. तालमेल की कमी. सुभाष ठाकरे के हाथों में गेंदे बैठ नहीं रही है. मैं तो अक्सर कहता हूं कि बालों में जेल और हाथों में तेल लगा के आप क्रिकेट नहीं खेल सकते. एकदम बात सही सिद्दीक बाबे सर. अच्छी छेड़छाड़ लेकिन बढ़िया गेंदबाजी में कहूंगा अब तक वीरेंद्र स्पोर्ट ठाकुरपाड़ा की. इस मरतबा ड्राइव के हवा में बढ़िया शॉट कैच भी छूटा और गेंद 6 रनों के लिए बाहर. पहला सिक्सर आता हुआ एक मारा लेकिन सॉलिड मारा.
हालांकि मौका था वहां पर, खिलाड़ी को उनके हाथों से गेंद छिटक गई, स्कोर उछलता हुआ पहुंचा 22 रन। ये देखिए किस तरह से कैच छूटा। इस बीच गेंद बल्ले का बाहरी किनारा और आउट हो गए बैट्समैन। अच्छी वापसी की वहां पर, बदला चुका लिया राजन ने। चौथा झटका लगा है, स्कोर है 22 रन आदर्श स्पोर्ट अंजूर फाटा का। अगदी बरोबर, चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते राजनेची, खास करून वीरेन स्पोर्ट ठाकूरपाडेचे जे गोलंदाज आहेत लेंथ आणि लाईन मध्ये गोलंदाजी करतायत। नुकतंच आगमन झालेलं आहे व्यासपीठावर मयूरेश एंटरप्राइजेसचे रफ्तार, तेज रफ्तार गोलंदाज उमेश नाईक यांचे, प्रीतासरी पांडुरंग शिवा नाईक यांचं आगमन झालंय व्यासपीठावर। आपलं हार्दिक स्वागत आहे। इस्लामी स्पोर्ट्स के कैप्टन और सारा इंडियंस के कैप्टन। इस बीच अगेन ग्लांस करने की कोशिश, शफल करके बच गए वहां पर, गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से जाती भी विकेट कीपर के पास। आणि निश्चितच कमांडो बाईक साठी या ठिकाणी कूपन फाडले जाईल तनिष सुनील इताडकर। इस बीच अगेन विटी टाइट खेलने की कोशिश, बल्ले की जड़ से टकराई गेंद, शॉर्ट मिड विकेट, लगभग सिली में डाउन पे गई, एक रन। चार ओवर की समाप्ति 23 रन। विलेन स्पोर्ट्स को हम थैंक्स कहेंगे अपने समय में ओवर्स करती भी। अगदी बरोबर, वेल न वाया घालता आपण पाहतोय षटक कंप्लीट करतात वीरेन स्पोर्ट ठाकूरपाडा। धन्यवाद कॉमेंट्री बॉक्स, मी पंढरीनाथ जी गुळवी यांचं स्वागत करण्यासाठी अरुण भोईर सर आपल्याला विनंती करतोय, तसेच पांडू दादा नाईक यांचं सुद्धा आपण स्वागत करायचंय। ये कॉमेंट्री बॉक्स दाई और हरीश पाटील बाई और साहिबा मोमिन उनकी बाई और संदेश पाटील। आमदार चषक 2017 मध्ये आलेल्या तमाम सन्माननीय पाहुण्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। आमच्या गावातील सर्व ग्रामस्थ आमदार चषकाला आवर्जून उपस्थित लावत आहेत, त्यांचं आमदार चषक 2017 मध्ये मनपूर्वक हार्दिक स्वागत होत आहे। ओवर टू कॉमेंट्री बॉक्स। गेंदबाजी के लिए योगेश को बुलाया गया, हालांकि योगेश बहुत ही अनुभवी गेंदबाज है लेकिन फाइनल में नहीं चले थे। इस मरतबा पहली गेंद लेग स्टंप को छोड़ती भी जाती भी, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइट का, एक रन से 23 पे पहुंचा स्कोर, 24 रन पे पहुंचा स्कोर। अगला टॉस होने जा रहा है सारा इंडियंस और इस्लामिया स्पोर्ट। इस मरतबा धीमी गेंद थी, गति परिवर्तन, गेंद स्लिम डॉप पे गई लेग बाय के रूप में, 25 रन 4 विकेटों के नुकसान पे। आज अगला मुकाबला आप देख रहे हैं इस्लामिया सारा, उसके बाद जय अम्बे टेमगढ़ पाड़ा दर्शन नाइक जिसमें खेलेंगे और ट्रिपल एस नेटवर्क, उसके बाद नंबर वन टीम महिंद्रा को आप एक्शन में देखेंगे आर्यन स्पोर्ट्स के सामने। बोल्ड हवा में चकमक आ गए, पहले आगे बढ़े फिर पीछे हटे, गति परिवर्तन, क्लीन बोल्ड। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे मराठा पंजाब बनाम साइंस स्पोर्ट खारबाव। मेरे ख्याल से महेंद्र पाटिल फैम टीम है और योगेश भोईर फैम टीम, जिन्होंने बाली ट्रॉफी टेनिस वर्ल्ड कप को जीता था। उसके बाद मयूरेश इंटरप्राइजेस संजय मात्रे फैम टीम टकराएंगी नेशनल स्पोर्ट्स से। उसके बाद नक्श 11 की परीक्षा रहेंगी अंजुमन स्पोर्ट्स के सामने। उसके बाद सबसे बड़ा मुकाबला प्रिंस मोवीज और जॉली कामतकर, और आखिर में जॉली युवा और खानपे के बीच। इस मरतबा हुक किया ऑफ स्टंप के बाहर से हवा में, एक और विकेट, अच्छा कैच डीप स्क्वायर लेग पर राजन का। सुनील जी दिवेकर आपलं सुद्धा मी मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय आमदार चषक 2017 मध्ये। ये हमारा कमेंट्री बॉक्स हरेश पाटील सिल्वर आर्म्स ऑफ भिवंडी और चीफ ऑर्गेनाइजर। इस एमएलए ट्रॉफी में जब भी ये साहिबा मोमिन संदेश पाटील टेनिस क्रिकेट डॉट इन के अच्छी गेंद, हैट्रिक गेंद थी लेकिन बच गए बैट्समैन।
गोलंदाजी एकदम परफेक्ट पाहायला मिळते आपल्याला वीरेन स्पोर्ट ठाकूरपाडा संघाची. ज्या प्रकारे गोलंदाजी चालू आहे सुभाष ठाकरे, त्यानंतर राजन बंटी, पुन्हा एकदा राजन आणि योगेश एक चांगली गोलंदाजी करत आहेत. सुरेश पारदीपी जुरते हुए इस मरतबा फ्लिक किया, बहुत खूबसूरत शॉट, 6 रन एक मारा लेकिन सॉलिड मारा. पैरों के सामने 31 रन हो चुके हैं 6 विकेटों के नुकसान पे. चांगला टोटल पाहायला मिळत नाहीये कारण की एक समोरचा संघ एक बलाढ्य संघ आहे. मात्र या इनिंग मधील हा शेवटचा चेंडू असणार आहे. राईट आर्म ओव्हर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं. इस मरतबा बल्ले का बाहरी किनारा आउट हो गए तो कुल मिलाकर 32 रनों की चुनौती रखी है. आइए दोस्तों बहुत ही सुहानी शाम, फ्लड लाइट ऑन हो चुकी है और मुकाबला होने जा रहा है बबन पाटिल फैम टीम सारा इंडियंस और इस्लामिया स्पोर्ट. ये दोनों कैप्टन बहुत ही मशहूर जिन्होंने दोनों फॉर्मेट में एक इतिहास रचा है. दिलीप पाटिल ग्रामीण और सिटी दोनों में उन्होंने गोल्डन सिक्स लगाया है. या ठिकाणी ठाणे जिल्हा चॅम्पियन, ठाणे जिल्ह्याचे जबरदस्त कुस्तीपटू गंगारामजी ठाकरे काका आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. त्यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक होत आहे. यस, गंगाराम ठाकरे जी के शुभ हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं. दिलीप पाटिल और साथ में आरिफ. आइए सिक्का मैं आपको दिखाना चाहता हूं. एक तरफ आपला आमदार, सभी को पता है कि आपला आमदार कौन है, रुपेश मात्रे, और एक तरफ क्रिकेट के रंग महेंद्र स्पोर्ट्स के संग महेंद्र स्पोर्ट्स. अपला आमदार कहना है इस्लामिया स्पोर्ट्स के कैप्टन का और आया भी अपला आमदार है. आपने टॉस जीता, हम आपको ये यादगार गिफ्ट दे रहे हैं. बहुत समर्थक आपके नजर आ रहे हैं. ये गिफ्ट गंगाराम ठाकरे जी आपको देते हुए, रघुनाथ ठाकरे जी बहुत बहुत धन्यवाद. आपसे निवेदन है अरुण भोईर, आपसे निवेदन है कि आपको मंच पे जाना है. यस, राजू सैयद फैम टीम के कप्तान आरिफ. आरिफ ये बताइए कि एमएलए ट्रॉफी क्रिकेट के रंग महिंद्रा स्पोर्ट्स के संग, ये सब रंग आपको कैसे लग रहे? बहुत अच्छा लग रहा है. यहाँ हम लोग ये फर्स्ट टाइम खेलने जा रहे हैं और काफी अच्छा, नेक्स्ट टाइम से ज्यादा अच्छा किया है और काफी अच्छा किया है. आपने टॉस जीता है, क्या लेना चाहेंगे? फील्डिंग करेंगे. फील्डिंग करने का निर्णय क्यों लिया है जबकि सामने बहुत बड़ी टीम है? हमारी थोड़ा बॉलिंग अटैक थोड़ा अच्छी है वो हिसाब से. कितनी अच्छी बॉलिंग अटैक है कि सारा इंडियंस को आप 5 ओवर में कितने तक रोकना चाहेंगे? 50 प्लस. 50 के अंदर तक रोकने के लिए आपको पता है कि दिलीप पाटिल एंड कंपनी बहुत मजबूत टीम है. कौन से गेंदबाज हैं जिन पे आप डिपेंड कर रहे हैं? शाहिद है और एक मुस्तफा है. तो उम्मीद करें कि अच्छी शुरुआत आप करने जा रहे हैं. इंशाल्लाह अच्छा खेलेंगे. ऑल द बेस्ट. दिलीप पाटिल, सबसे पहले मैं आपकी टिप्पणी सुनना चाहूंगा कि एमएलए ट्रॉफी का ये चार्म आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा बनाया है ग्राउंड, अभी उस पर ग्रास भी बहुत अच्छी आई है. तो ये जो है अभी शाम का टाइम है, नाइट के हो रही है और अच्छा दिख रहा है. पहुंच रहे सुपर 8 में, पहुंच रहे तो सुपर 16 में पहुंच रहे, तो आगे जाके हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा खेलेंगे, सेमी तक पहुंचने की कोशिश करें. हम उम्मीद करें कि एमएलए में भी सेमी की पे नज़र है आपकी. डेफिनेटली रहेंगी. ऑल द बेस्ट. द न्यूज़ फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज इस्लामिया वन द टॉस, दे
choose to bowl first is back to the commentary box. Ajay Gharat is there. पहिला चेंडू आपण पाहतोय मारण्याचा प्रयत्न केला जातोय अवैध असा बॅटच्या पटेमध्ये येत नाहीये निर्धाव चेंडू जातोय चांगली सुरुवात पाहायला मिळतंय लो स्कोरिंगचा सामना आहे अजय गरत 32 धावांचं आव्हान आहे 5 षटकामध्ये काय वाटतोय चांगली सुरुवात झालेली आहे विकी याची जी हा सुरुवात तो अच्छी की है लेकिन इसको आगे भी बरकरार रखना होगा नंदन पाटील काफी बेहतरीन बॅट्समन है इस बार हुक किया उन्होंने खाली क्षेत्र में 4 रन संदेश पाटील पावर प्ले हो पहला या फिर दूसरा राउंड हो टूर्नामेंट का उसमें इनसे खतरनाक बल्लेबाज कोई भी नहीं हो सकता है बरोबर दाखवून दिलेला आहे की मी बाउंड्री मैन आहे सुरुवात चांगली नंदन पाटील बेताज बादशाह पावर प्ले के इन्होंने जितने सीजन में चौके लगाए टीमों के पूरे चौके पकड़े तो नंदन के चौकों की तादाद ज्यादा इस बार लेग स्टंप के बाहर भटकते हुए विकी वाइट का इशारा स्कोर आगे बढ़ता हुआ वीरेन स्पोर्ट्स का 5 रन बिना किसी नुकसान के एक छोटा टारगेट 32 रनों का टारगेट है वीरेन स्पोर्ट्स के सामने बल्लेबाजों ने काफी निराश किया अंजुर फाटा के रिवर्स खेलने की कोशिश बढ़िया गेंद काफी अच्छी गेंद वहां पर थोड़ा सा आगे रखा था ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर बीट होते हुए नंदन पाटील ये देखिए उल्टा शॉट खेलने की कोशिश काफी अच्छा खेलते हैं रिवर्स स्ट्रोक भी गैप्स काफी अच्छे तरह से ढूंढते हैं पावर प्ले के ओवर्स में खासतौर पर नंदन पाटील इस बार अंदर लगी है लेकिन गैप में जा रही है बैकवर्ड स्क्वेयर लेग की दिशा में डीप में फील्डर पहुंचे एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन बिना किसी नुकसान के अब सामना करेंगे प्रीतेश बहुत बढ़िया गेंद हल्की सी आह निकली थी गेंदबाज के मुंह से लेकिन गेंद बल्ले पर नहीं लगी थी अच्छा अटैक लाइन बहुत बढ़िया है ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर ही रख रहे हैं पुल करने की कोशिश की थी बैट्समैन ने पहले ओवर में पावर प्ले का ज्यादा लाभ अभी तक नहीं उठा पाए हैं बैट्समैन इस बार अंदर लाए थे अपील और आउट लेग बिफोर विकेट पहला झटका लगता हुआ वीरेन स्पोर्ट्स को और सही निर्णय भी अंपायर का गेंद हवा में थोड़ी सी अंदर की तरफ आई पड़ने के बाद भी अंदर की तरफ एंगल था पूरी तरह से चूक गए पैर पर लगी ऑफ और मिडिल स्टंप पर जाकर टकराती गेंद ओवर भी समाप्त हुआ पहला अच्छी गेंदबाजी की विक्की ने बैटिंग पावर प्ले में सिर्फ 6 रन एक विकेट के नुकसान पर आदर्श स्पोर्ट्स अंजुर फाटा और वीरेन स्पोर्ट्स ठाकुरपाड़ा के बीच में ये मैच चलता हुआ इस समय महिंद्रा स्पोर्ट्स का बहुत ही जबरदस्त लोगो आप देख रहे हैं इस समय इस टूर्नामेंट के आयोजक महिंद्रा स्पोर्ट्स फ्लड लाइट्स ऑन हो चुकी है ट्वाइलाइट टाइम है इस समय नैसर्गिक जो रोशनी है वो काफी मध्यम मध्यम है और उसमें फ्लड लाइट्स भी ऑन हो चुकी है बहुत ही खूबसूरत समा अरुण भोईर सर को आप देख सकते हैं इस समय वे पिडाइस पर समय का पूरा ख्याल रखना है आदर्श स्पोर्ट्स के कैप्टन नए बल्लेबाज क्रीज पर आए हैं हर्षद
हर्षद जो बड़े शॉट्स के लिए जाने जाते हैं। नंदन पाटिल इस समय पांच पर बैटिंग करते हुए। हरीश की पहली गेंद रिवर्स स्वीप की कोशिश, पूरी तरह से छू के नीचे रही गेंद थोड़ी सी पड़ने के बाद। नंदन पाटिल कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। चौका भी जो उन्होंने लगाया है, हुक शॉट जो खेला था उसमें भी मिडल नहीं कर पाए थे। आत्मविश्वास के साथ आज खेलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इस बार सही संपर्क, पुल और सक्सेसफुल 6 रन। छोटी गेंद और बड़ा शॉट, बिल्कुल छोटी गेंद थी, गेंद को आने दिया था, ठीक गेंद के लाइन के पीछे आए। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक नंदन का। नंदन पे ऐसा लग रहा है कि कोई भी गेंदबाजी का बंधन नहीं है। बंधन कहीं ना कहीं था उन पर, लेकिन जो बंधन था उसको तोड़ दिया उन्होंने। इस बार बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए। स्लॉग स्वीप की कोशिश थी, खेलना चाहते थे डीप मिड विकेट के ऊपर से, गेंद वाइड ऑफ मिड ऑन चली गई एक रन के लिए। रन संख्या आगे बढ़ती हुई वीरेन स्पोर्ट्स की, 13 रन एक विकेट के नुकसान पर। अदर स्पोर्ट्स को इस मैच में संघर्ष करना है या फिर मैच को जीतना है तो काफ़ी अच्छी गेंदबाजी यहां से करनी पड़ेगी, विकेट्स लगातार निकालने होंगे। हाफ वॉली लॉफ्ट कर दिया है, गगन बेदी शॉट, 6 रन। जो 10 बैट्समैन इनफॉर्म चल रहे हैं उसमें उनका भी नाम है। ये देखिए मनोज भुईड़ को, जब से उन्होंने सेमीफाइनल में 30 रन बनाए, इस तरह के शॉट उनके बहुत ही आकर्षक रहे। बहुत ही क्लास बैट्समैन है। इस सीजन में ग्रामीण क्रिकेट में 6 गेंदों में 6 सिक्सर जड़े थे उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी में। पहली गेंद उनको पाले में मिली, उनके रडार में थी, उसको भेज दिया बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। एक और, ये भी जाएगी बाहर, दूसरा सिक्सर। जरीना दीदी नेहरू नगर यांनी आमदार चषक 2017 ला मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा दिलेल्या आहेत। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी, बॉटम हैंड का कितना अच्छा उपयोग कर रहे हैं, मजबूत बॉटम हैंड है उनका। मिड विकेट के ऊपर तान दिया 6 के रूप में, 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के, रन संख्या 25 एक विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर में अभी भी 1 गेंद शेष है। हरीश काफी महंगे साबित होते हुए 19 रन खर्च कर चुके हैं और अब यहां से मात्र औपचारिकताएं शेष है खेल में। 7 रन दूर जीत से वीरेन स्पोर्ट्स, छक्कों की हैट्रिक का मौका है हर्षद के पास। कोशिश की उन्होंने और सफल कोशिश, छक्कों की हैट्रिक। सिक्सर की हैट्रिक करने वाले एमएलए ट्रॉफी के ये दूसरे बैट्समैन बने। क्या गजब के फॉर्म में चल रहे हर्षद चौधरी, मैन फ्रॉम दापोडे। गजब की बल्लेबाजी, ताकत, टाइमिंग, सब कुछ देखने को मिलता हुआ उनके बल्लेबाजी में। पहला शॉट सीधे बल्ले से लॉफ्ट किया था। कमलाकर पाटिल ने दापोडे से इस वक्त एमएलए ट्रॉफी हर्षद चौधरी को ऑल द बेस्ट कहा है और दोस्ती फाइटर ग्रुप और रिस्की बॉयज ने भी हर्षद चौधरी को शुभकामनाएं दी है। ये देखिए घूम के दे दिया था बाहर, वन एंडेड कैचेस को लिया था वहां पे दर्शक ने। लगभग ऑफ स्टंप के बाहर की वाइड गेंद को खेला और 6 रन अर्जित किए, स्कोर्स लेवल हो चुके हैं। ओहो, नंदन पाटिल आउट होते हुए। ऐसा लग रहा है कि टेस्ट क्रिकेट देखा जा रहा है, जिस तरह से फाइन ग्लांस किया था और लगभग लेग स्लिप रखा गया था जहां पर आउट हो गए नंदन पाटिल।
आती हुई गेंद थी, कोण बनाती हुई, बहुत ही रिस्की शॉट था, मिस करते तो भी आउट होते, बल्ले पर लगी लेकिन लेग स्लिप का जो फील्डर है थोड़ा सा लेग गली की दिशा में था, सीधे फील्डर के हाथ में आउट होने से पहले नंदन ने बनाए 12 रन। नए बैट्समैन आए हैं सागर, विनिंग शॉट खेलने का मौका उनके पास। अपील और एक और विकेट, इस बार कॉट बिहाइंड नहीं, ये तो खिलवाड़ कर रहे हैं एक रन के लिए। काफी अच्छा कैच विकेट कीपर द्वारा, अंदरूनी किनारा लगा था, सागर ने स्लॉक करने की कोशिश की, नीचे रही थी गेंद और बढ़िया कैच लेते हुए विकेट कीपर अनिल। ये देखिए डगआउट का नजारा, बहुत ही खुश वीरेन स्पोर्ट। वीरेन स्पोर्ट का परफॉर्मेंस बहुत ही आला रहा था आदित्य ठाकरे कप दापोडे में। हैट्रिक हो चुकी है यहाँ पर विकी की, क्योंकि पहले ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने विकेट प्राप्त किया था। इस तरह के हैट्रिक्स बहुत कम देखने को मिलते हैं, ऐसे हैट्रिक जो दो ओवर्स में बटी गई। इस बार गेंदबाज की दिशा में खेला, बहुत ही बढ़िया गेंद, भले ही मैच एक तरफा हुआ है लेकिन विकी की जो गेंदबाजी है वो देखने लायक। यस, विकी ने बता दिया है कि मैच कैसा भी रहो वो अपनी सुर और ताल में गेंदबाजी करेंगे। अब इस्लामिया के कैप्टन ने भी कहा है कि उनकी गेंदबाजी भी बहुत अच्छी है। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट विकी, ओ बहुत ही बढ़िया गेंद, कमाल की गेंदबाजी देखने को मिल रही है, सब कुछ उनके गेंदबाजी में, गति है, उछाल है, यॉर्कर्स का अच्छा उपयोग कर रहे हैं। सर खुजाने वाली बात है कि एक रन इतना महंगा पड़ रहा है, एक रन तो बहुत महंगा ही रहता है, आप एक रुपए को लाख रुपया नहीं कह सकते, लेकिन लाख रुपए में से एक रुपया आप निकाल दे तो वो भी लाख नहीं रहता है। एक रन के लिए तरसा दिया है यहाँ पर वीरेन स्पोर्ट्स को, लॉफ्ट कर दिया इस बार बंटी ने मैक्सिमम और इसके साथ ही ये मैच समाप्त होता हुआ, वीरेन स्पोर्ट्स की बढ़िया जीत। कांग्रेचुलेशन सुभाष ठाकरे एंड वीरेन स्पोर्ट्स कैप्टन हेमंत पाटिल, मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है योगेश, 7 रन दिए और 3 विकेटे लिए, योगेश इज द मैन ऑफ द मैच। योगेश आपको मैन ऑफ द मैच के लिए वीआईपी डाइस पे आना है। योगेश धन्यवाद सुधीर भावी सर। मित्रांनो आमदार चषक 2017 मध्ये आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। या ठिकाणी महेंद्र स्पोर्टचे धडाकेबाज गोलंदाज सुरेश पारधी, आपलं सुद्धा मी मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय। मॅन ऑफ द मॅच विनर लवकर व्यासपीठावर यायचा आहे। मित्रांनो कमांडो बाईक अमेरिकन बाईक आहे, एकदम जबरदस्त, या बाईकवर आपलं नाव करायचं असेल तर 1000 रुपयांचं कूपन आपण खरेदी करू शकता। व्यासपीठावर कूपन आहेत आणि निश्चितच आपण या बाईकचे मालक होऊ शकता। मॅन ऑफ द मॅच घेण्यासाठी व्यासपीठावर यायचं आहे। आमदार चषक 26 मार्च पासून सुरुवात झाली आणि 2 एप्रिल रोजी निश्चितच अंतिम सामना आहे। या ठिकाणी आमचे आदरणीय गंगारामजी ठाकरे काकांना विनंती करतोय। ठाणे जिल्हा चॅम्पियन आहेत, सुंदर अशी